अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है एक फ्राइड राइस। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना, मैंने भी बनाया था तो मुझे भी बहुत ही टेस्टी लगा, इसीलिए मैं ये रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो होममेड तो बेस्ट ही रहता है, तो वैसे तो बाहर की सब्ज़ी में फ्राइड राइस में टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घर पे भी बनाइए, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली है, कैप्सिकम, ग्रीन प्याज और अपने नॉर्मल प्याज और कैबेज, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। राइस मैंने बॉईल कर लिए है, ज़रा भी कच्चा नहीं है, अच्छे से बॉईल करके इसे मैंने रख दिया है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 5 चम्मच ऑयल लिया है, अच्छे से लेना, कम मत लेना। तो इसमें मैं जो हमारे नॉर्मल प्याज है वो जो चॉप की है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। एक्चुअली मेरे पास जिंजर और गार्लिक था नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक हम है तो उसे चॉप करके डालिए, उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो कुछ टिप्स है जो मैं यही छोटी छोटी दूंगी जो बेस्ट रहता है। तो मैंने अभी जो ये ऐड कर दिया है वो भी सही है, लेकिन है तो करिए। तो ये अच्छे से इसे मैं हिला दूंगी। प्याज को हमें ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हाई है दोस्तों, हमें आपको भी ऐसे ही रखना है, और सिंपल है और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और बच्चे खुश हो जाए ऐसी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या कुछ कहना चाहते हो या कोई और रेसिपी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो रेसिपी जल्द से जल्द आपको शेयर करूँगी। मैं अपने व्यूवर्स की बात जानना चाहती हूँ कि व्यूवर्स मेरी रेसिपी के बारे में क्या कह सोचते हैं, या और कुछ उनको पसंद है जो वो मेरे स्टाइल में कुछ बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ सेंड कीजिए। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम भी हमारे ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कैबेज से पहले कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आपके आपको और भी कोई सब्ज़ी पसंद है, बीन्स है, कैरोट है, तो वो भी आप डालिए, उससे टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैं उसी में बना रही हूँ, लेकिन आप और ज़्यादा जो पसंद करते हो, समझो कि आप कैप्सिकम पसंद नहीं करते तो उसकी स्किप करके कैरोट डाल दीजिए, बीन्स डाल दीजिए, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन कैप्सिकम और ज़्यादा भी हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, और इसीलिए मैं इसे डालिए। तो देखिए कैप्सिकम हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इसमें हम कैबेज भी ऐड कर देंगे। तो कैबेज भी मैंने चॉप अच्छे से कर लिया है, आप भी अच्छे से चॉप करके इसमें ऐड कर, सारी सब्जियों को पहली बात तो है ना आप रेडी कर दीजिए, ताकि आप जब ये रेसिपीज बनाते हो तो आपको दिक्कत ना आए। तो मैं भी वही करती हूँ, कोई भी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी सारी तैयारी कर लेती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है वीडियो बनाने में भी और सब ऐड करने में भी। तो मैं इस जगह पर नमक नहीं डाल रही हूँ, मैं नमक की जगह पर मैगी मसाला डाल रही हूँ, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो प्लीज़ नमक ऐड कीजिए। एक्चुअली मैगी मसाले से है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं हमेशा मैगी मसाला रखती ही हूँ, चाहे वो मैगी में आए या हमें अलग से लेना पड़े, तो ये बेस्ट रहता है। फ्राइड राइस, नूडल्स, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आ जाता है। तो बस हमारा ये रेडी है, तो हम ये मसाला हो रहा है, तो मैं साइड पर एग की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने 3 एग लिए हैं और इसमें सॉल्ट डाल के उसे अच्छे से फेंट लूँगी। सिंपल है, हमारी रेसिपी बहुत जल्दी बन गई थी क्योंकि मैंने सारी तैयारी पहले से कर ली थी। तो मैंने देखो इसमें 2 टीस्पून ऑयल साइड पर डाला है, और इसमें मैं सारी सब्जियों को साइड पर करके एग ऐड कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी सब्जी भी अच्छे से साइड पर होती है और एग हमारा अच्छे से हो जाता है। अगर हम सब्जियों के ऊपर डाल देंगे तो सारी सब्जियों में एग मिक्स हो जाएगा, वो ऐसा हमें नहीं करना है। एग के हमें पीसीस चाहिए जो हमें अलग से टेस्ट खाने में आए, तो उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है। एक फ्राइड राइस है तो हमें एक का टेस्ट आना अलग से आता है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही कीजिए आप, तो एक अच्छे से हमें पकने देना है, उसके बाद पक जाएगा तो वो हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे।
है ना सिंपल दोस्तों, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर और कुछ डालना चाहते हो तो वो भी डाल दीजिए। जैसे कि हम मैंने इसमें हरी मिर्च यूज़ नहीं की है, लेकिन अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप जब प्याज फ्राई करते हैं तभी हरी प्याज हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। तो देखिए गैस की फ्लेम हाई है, अंडा हमारा अच्छे, तो अंडा और सब्जी को हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि जो मैंने मैगी मसाला ऐड किया है वो अंडे में भी टेस्ट आ जाए, तो अच्छे से हमें टेस्टी लगे। सिंपल रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाती है, और संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही रहता है, तो ये भी ट्राई कर लीजिए एक बार, तो इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा कि हर संडे को बनाना पसंद करोगे। तो ये हमारा रेडी है, तो अब इसमें हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जो मैंने राइस रेडी कर ली बॉईल करके रखी है तो वो ऐड कर दूंगी। तो राइस मैंने 2 कप मैंने बॉईल किए हैं, आप जितना भी क्वांटिटी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, उस हिसाब से आप मसाला बनाइए। तो राइस हम ऐड कर देंगे, और गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, अभी तक हाई थी, तो क्योंकि मैं इसमें ताकि जब हम राइस ऐड कर रहे हैं और भी जो सोया सॉस वगैरह ऐड करेंगे तो नीचे से मसाला चिपकने ना लगे। तो राइस मैंने सब ऐड कर दी है, और अब मैं इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर केचप और सेजवान चटनी वो सब ऐड करूँगी। तो सोया सॉस मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मेरे राइस ज़्यादा है। अगर आपके राइस आप कम यूज़ कर रहे हो तो 1 टीस्पून ऐड कीजिए। तो मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया है, और अब इसमें मैं विनेगर, एप्पल विनेगर ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इससे टेस्ट बेहतरीन आता है। तो 1/2 टीस्पून भरकर मैंने विनेगर ऐड किया है। अब इसमें मैं टमाटो केचप ऐड करूँगी। टमाटो केचप मैंने अंदाजन 3 टीस्पून डाला है, तो आप भी उतना ही डालिए। टमेटो केचप से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे ज़रूर डालिए। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर सेजवान चटनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो या ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हो तीखेपन के हिसाब से। और तीखा अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें आप थोड़ी रेड चिली भी डाल सकते हो, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अच्छे से हमें इसे मिला लेना है ताकि हर तरफ तीखा और टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। सिंपल है ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है, और होममेड है तो हेल्दी भी रहती है। ऐसा नहीं कहती हूँ कि बाहर की चीज़ें हेल्दी नहीं रहती, लेकिन कोई कोई स्टोव पर अच्छे से सफाई नहीं रहती है, और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, फैमिली में भी बीमारी हो जाती है। तो जितना हो सके इतना हम घर पे बना के बच्चे को खिलाएंगे, फैमिली को खिलाएंगे, तो सेहतमंद रहेंगे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बाहर से खाती नहीं हूँ, मैं भी मंगाती हूँ, लेकिन जितना घर का टेस्ट और जितना घर की सफाई में खाना बनता है उतना बाहर पॉसिबल नहीं है। तो हो सके तो अपने फैमिली को बना के खिलाइए, और ख़ुद भी हेल्दी रहिए और अपने परिवार को भी रखिए। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप बनाते हो तो आपकी फैमिली को कैसा लगता है प्लीज़ बताइए। थोड़ी सी ग्रीन प्याज जो मैंने चॉप की थी वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और जब मैं सर्व करूँगी तब थोड़ी सी ऊपर सर्व के लिए मैं डालूँगी। तो मेरी रेसिपी रेडी है, बस मैं अब सर्व करूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिलती रहे। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।